हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई एम वेरी मच डाउन विद फीवर, सोर थ्रोट, एवरीथिंग। बट मैंने पहले दिन ही अपना कोविड टेस्ट कर लिया था एंड इट केम आउट नेगेटिव। तो ऐसी कोई ख़तरे की बात नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम ड्राइनेस आई गेस, और शायद नींद की कमी और वाटर इनटेक कम कर मैंने शुरू में कैजुअली लिया। मुझे दिमाग में नहीं था कि ये ड्राइनेस मुझे ले डूबेगी, बट अच्छी तबीयत नहीं है मेरी, कुछ गले में भी अच्छा खासा दर्द हो रहा है। सो मैं अभी बैठी शाम को यहाँ पे सनबात ले रही थी, तो मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ एडमिंटन की। यहाँ पे ना सुबह 3 बजे ना सूरज आ जाता है, और रात के 11 बजे तक ना सूरज अगर ग़ुरूब नहीं होता, लिटरली लिटरली, मैं आज आप लोगों को ना जैसे ही होगा ना मैं दिखाऊंगी कि सूरज ग़ुरूब होता कितने बजे। मतलब मैं बेड में होती हूँ और सूरज उधर ही होता है। तो यहाँ पे ना चंगे हालात कुछ लग नहीं रहे। और अभी तक वो प्रॉपर वाली समर्स भी नहीं आई, हल्की सी खुनकी है हवा में। अभी हम किस पर हैं आरजू? अभी हम चोलेगढ़ पे हैं। ओके, इट्स लाइक अ स्मॉल कनेक्टिव रोड, अभी उसकी एक्सपेंशन चल रही है। अभी आपको मेन कनेक्ट करेगा आपके यहाँ पे हैंडे जो है, इटसेल्फ एथनी हैंडे, वो रिंग रोड है। और ये जो वाइट मर्ड है वो साउथ में चलती है, लाइक ईस्ट वेस्ट में। अच्छा, अभी हम वैसे एक्चुअली मैं बहुत बीमार हूँ और घर बैठ बैठ के मुझे बीमारी और ज़्यादा फील हो रही है। तो आरजू और बिलाल ने कहा लेट्स गो आउटसाइड, थोड़ा सा हवा लगा लें आपको। तो अभी हम आरजू किस तरफ के जा रहे हैं, हमारी डेस्टिनेशन क्या है? हम जा रहे हैं डाउनटाउन की तरफ और थोड़ा सा यूनिवर्सिटी की तरफ। अच्छा, डाउनटाउन एंड यूनिवर्सिटी, आपका हॉस्पिटल भी वहीं पे ही है ना? चलो, सो लेट्स सी कैसा रहता है, क्या है, किस तरह वैली देख लेते हैं। हाँ, सारी चीजें कवर नहीं होंगी, लेकिन लेट्स एम फॉर इट। ये आपकी हिंदी जैसे लेकिन बैक ईस्ट में गए थे, आप यहाँ से वेस्ट में जा सकते हैं। अब आप चेक कर लें, टाइम हुआ है 8:40 और कहीं से नहीं लग रहा कि ये आज रात होगी। लग रहा है? दिस रिमाइंड्स मी कि मैं स्वीडन में था ना 2005 से लेके 9 तक के टाइम फ्रेम में आता जाता रहता था स्टॉकहोम में और उनके डिफरेंट सिटीज में। एग्जैक्टली यही था माहौल, रात के 11 बजे तक दिन ही दिन है, आपको पता नहीं चलता था, आप पागल होने लग जाते थे। आप देखते थे यार 11 बजे तक दिन ही दिन है, और 3 बजे सुबह जो था ना वो सुबह शुरू हो गया, रात हुई है 11 बजे और 3 बजे फिर दोबारा दिन शुरू हो गया। तो आप बस समझ नहीं आती क्या है ना। मे बी इस वजह से भी बिलाल हो सकता है कि हम बीमार हो रहे, क्योंकि हमारा ना ब्रेन जो है ना, क्योंकि फ्लोरिडा में जो है ना वो इट इज जस्ट लाइक लाहौर एंड कराची, पाकिस्तान वाला सिस्टम है, 7:30 पे मगरिब हो जाती है। आप लोगों को हुआ वेदर की वजह से है और यहाँ का जो चेंज ऑफ एनवायरनमेंट हुआ ना बेसिकली। हाँ, क्योंकि हम बहुत ज्यादा ह्यूमिड एरिया में रहते हैं, हिसाब से आपकी उसमें जो है ना एक्लेमेटाइज नहीं हो पाए अभी तक, बच्चे भी बीमार हैं इसलिए। हुसैन एंजॉय कर रहा है। ये क्या है जी? ये देखिए 600 से लग्जरी टाउन होम शुरू हो, 900 से लग्जरी बंगलोज है। भाई एडमिंटन भी महंगा हो गया, अब ऐसा कोई सस्ता वस्ता नहीं है। आई विल शो यू, इनके नेबरहुड में कुछ घर हैं, मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर बड़े घर लेने हैं तो अच्छी खासी महंगी रेंज है। लेकिन एक चीज है जो आप टोरंटो में 1.5-1.6 मिलियन में टाउन होम लेंगे, हाँ सही बात, वो यहाँ पे आप एक बड़ा जिसे कहते हैं ना 5,000 स्क्वायर फीट, हाँ घर बहुत प्यारे हैं यहाँ पे, घर बहुत ज्यादा प्यारे हैं। वो मैं दिखाऊंगी आज, अगर रात ना हुई तो मैं दिखा दूंगी, वरना फिर कल या फिर कभी के रखेंगे। घरों की कंस्ट्रक्शन इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि मुझे आरजू ने दिखाई तो मुझे तो ऐसे लग रहा था, मैंने कहा ये सारे पाकिस्तान के कोई पॉलिटिशियंस के घर हैं क्या, मेरे दिमाग से यही निकला। क्योंकि हर किसी का कस्टमाइज बना हुआ और ऐसे दरवाजे और ऐसे लगे हुए, लग नहीं रहा था, एडमिंटन लग रहा है पाकिस्तान के, जैसे आप नहीं सफर कर रहे होते बिलाल कराची में DHA और वगैरह में बड़े बड़े जो होते हैं, उस टाइप का लुक है भाई, कनाडा वाला लुक नहीं है। फॉलोअर्स कुछ पूछ रहे थे कि यहाँ पे आने का और ये कुछ
जब रेडी होंगी तब आऊंगी। ओके आपको एक ये चीज बतानी थी कि यहाँ पे जो मेन यूनिवर्सिटी है एडमिंटन में ही अल्बर्टा की, बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा जो है काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है, वो एडमिंटन में है। इट्स नॉट इन कैलगरी बट इट्स इन एडमिंटन। और एक बहुत मशहूर कॉलेज जो है जिसको आप नॉर्दर्न अल्बर्टा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नेट कहते हैं, तो नेट भी एडमिंटन में है, राइट आजू। और आपको ये भी बताते चलें कि जो सदरन अल्बर्टा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भी एक बड़ा मशहूर कॉलेज है जहाँ पे मुख्तलिफ तरह के कोर्सेज होते हैं, वो भी कैलगरी में है। सो यहाँ पे एक बड़ी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा है और दूसरी नॉर्दर्न अल्बर्टा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नेट है। तो ये अभी हमारे सामने कौन सी आने वाली है? अभी आने वाली पांचवी यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा आ रही है। एक और यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे है, मैक्यूएन यूनिवर्सिटी, उसके अंदर भी हेल्थ के कोर्सेज होते हैं लेकिन इतने ज्यादा कोर्सेज अवेलेबल नहीं है वहाँ पर। ओके तो हमारे आप लोग इंजीनियरिंग के कुछ क्या आएगा कैंपस, लेकिन हम अभी नॉर्थ में चले जाएंगे यूनिवर्सिटी की मेन रोड पे जाने वाले हैं। ओके अलमास, वो जो मैं इन्फिल्स का कह रही थी ना, घर बने हुए यूनिवर्सिटी के करीब मेजोरिटी वो भी आगे आ रहे हैं और ऐसे ऐसे ही आते जाएंगे। कुछ पुराने हिप्पी हाउसेज होंगे या फिर उनके साथ ही नए घर जैसे ही बने हुए हैं आपकी साइड में, ये लेफ्ट साइड में सारे नए घर बने हुए हैं, ये अच्छे घर हैं। इनका प्रॉब्लम ये है कि कुछ ये डुप्लेक्सेस होते हैं या कुछ के गैराज पीछे होते हैं और अल्बर्टा के वेदर में ये यहाँ पे ये जो बड़े बड़े घर हैं ये यहाँ पे आपके ख्याल से कितने के होंगे? ये जो कस्टम मुझे नजर आ रहे हैं, वेरी फ्रॉम लाइक 700 से लेके 9 आजकल, वैसे वेरी गुड, लेकिन दे आर गुड हाउसेस, दीस आर वेरी रीजनेबल प्राइसेस कंपेयर्ड टू ओंटारियो, राइट? यार इट्स प्रीटी कन्वीनिएंट फॉर पीपल हु वर्क इन द यूनिवर्सिटी, आपका रोज का जो ट्रैवलिंग टाइम बच जाता है ना। सही बात है, रुक गए यहाँ पे क्योंकि उसमें रुक लिया जैसे इशारे दे आगे। ये अच्छा यहाँ पे LRT चलती है, मैं बनाता रहूं ना आगे इसी पे। लाइट रेल ट्रेन चलती है जैसे कैलगरी में पूरे चारों क्वाड्रेंट्स में जाती है, जबकि अल्बर्टा में नॉर्थ एंड साउथ जाती है। लेकिन यूनिवर्सिटी जिन्होंने जाना हो, हॉस्पिटल्स जाना हो, तो वहाँ पे लाइन है। और हमारे साथ साथ पैरालल में भी लेफ्ट में वो ट्रैक भी चल रहा होगा LRT का। यहाँ पे सबवे नहीं है, लाइट रेल ट्रेन। आप थोड़ा सा बताएंगे यहाँ पे ये जो नॉर्दर्न अल्बर्टा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसमें कौन कौन से कोर्सेज प्राइमरीली जो हैं वो होते हैं, जो कि एक बंदा जिसने मतलब लेट्स से बैचलर्स किया हुआ हो और वो पाकिस्तान से आना चाहे, कोई कॉलेज वगैरह के कोर्सेज आप थोड़ा सा रोशनी डालना पसंद करेंगे? आई बिलीव वहाँ पे सारे कोर्सेज जो कम पेश हर यूनिवर्सिटी कॉलेज में होते हैं सारे होते हैं, लाइक इंजीनियरिंग के आप ले लें, लेकिन वो सारे टेक्नोलॉजी बेस्ड कोर्सेज होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ले लें, हेल्थ केयर कि कुछ है, लेकिन मेजॉरिटी वो अगेन इट्स नॉट अ डिग्री, इट्स अ कॉलेज टू कॉलेज के अंदर आपके डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज, डेंटल हाइजीनिस्ट का हो गया, फार्मासिस्टिशियन का हो गया, अल्ट्रासाउंड का, ओके, एक्सरे और रेडियोलॉजी टेक्नीशियन का हो गया, नर्सिंग के भी कुछ कोर्सेज हैं आई गेस, LPN के जो लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स 2 साल का। कितने साल का होता है यहाँ पे वो? इट वेरीज, अल्ट्रासाउंड का आई बिलीव 2 साल का है और कुछ इंजीनियरिंग के जो कोर्सेज डिप्लोमा कोर्सेज है 3 साल के। नर्सिंग का कितने का होता है? नर्सिंग के जो LPN के कोर्सेज है लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स के वो 2 साल के हैं और जो रजिस्टर्ड नर्स का वो तो यूनिवर्सिटी से होता है, वो फिर 4 साल का है, वो या तो यूनिवर्सिटी अल्बर्टा से होता है या मैक्यूएन यूनिवर्सिटी से होता है। अच्छा ये आपके सामने ट्रैक चल रहा है ये LRT का और हम अब आहिस्ता सब चलते जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी आ गई है हमारे सामने, यूनिवर्सिटी दिखाइएगा अपनी, वो सामने भी आ रहे हैं आपको। आप लोगों का जो प्रोग्राम है वो यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा के साथ एसोसिएटेड है ना, आप लोगों का जो रिसर्च हॉस्पिटल है? आप लोगों का हॉस्पिटल का क्या नाम है यहाँ पे? हम लोग ये नहीं कह जा लाइक हमारे प्रोग्राम के सारे हम डिफरेंट हॉस्पिटल्स में रोटेट करते हैं, लेकिन प्राइमरीली जो टीचिंग हॉस्पिटल है वो यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो ये आपकी LRT खड़ी हुई है अभी यहाँ पे, इसका टाइम नहीं है और यहाँ पे एक स्कूल ही बना हुआ है इसके पीछे, और भी यहाँ पे कुछ इस एरिया में स्कूल अच्छे हैं, अक्सर लोग स्कूल्स के ऐसे यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा, स्कूल्स की रेटिंग अच्छी है, स्कूल्स के अच्छी है कि हमें विंडसर पार्क का स्कूल है उसकी रेटिंग 10/10 है, लेकिन वो सिर्फ ग्रेड 6 तक का है। अच्छा सामने आपके है की एडमिंटन क्लिनिक्स, देयर ऑल क्लिनिक्स जिनके भी फिजिशियंस हैं उन्होंने अपने यहाँ पे क्लिनिक सर्जरी के हैं, प्लास्टिक सर्जरी, डर्माटोलॉजी, तो इट्स ऑल क्लिनिक है यहाँ पे, ठीक है? ओके, तो ये की एडमिंटन क्लिनिक है आपके सामने, अभी आप यूनिवर्सिटी अल्बर्टा में आ गए। एडमिंटन क्लिनिक, राइट? तो ये यहाँ पे आपका थोड़ा सा ये बताती जाएं लोगों के लिए जो इनके व्यूअर्स हैं कि ये ऐसे नहीं होता कि आप यहाँ पे आए और आपने जाके उस पर रिपोर्ट कर दिया कि जी मुझे ये मसला है, आपका फैमिली डॉक्टर आपको रेफर करेगा तो फिर आप यहाँ पे इस क्लिनिक में जो भी स्पेशलिटी है उसके हिसाब से आप यहाँ पे आए। सही कह रहे हैं आप, ऐसे ही है
और अब हम आ गए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा हॉस्पिटल में. इसके साथ ही एडजेसेंट जो है वो मेजन पॉस की है, जो हार्ट इंस्टीट्यूट है. और यूनिवर्सिटी अल्बर्टा का ये भी हॉस्पिटल जो इनकी ये बिगेस्ट ट्रांसप्लांट सेंटर है पूरे प्रोविंस का. तो इधर सारे किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट, लंग, इवन पैनक्रियास ट्रांसप्लांट. ये क्या है हमारे राइट साइड पे, ये ब्लड बैंक है, इसके आगे आ रहा है हॉस्पिटल. ये सब आपस में कनेक्टेड है कि डेंटल क्लिनिक पे जाना हो, मेडिकल स्कूल में जाना हो. काफी बड़ा सेटअप लग रहा है ये मुझे. ये हॉस्पिटल की पार्किंग है जहाँ से मैं एंटर होती हूँ मेजॉरिटी. अच्छा, आपका भी, आप भी इधर ही. ये मेन हॉस्पिटल है. Okay. ये पेडवे है जहाँ से हम फिर चल के जाते हैं ऊपर. पहले स्टाफ पार्किंग जो है उनकी पार्किंग नीचे अंडरग्राउंड. जो रेजिडेंट्स, नर्सिंग स्टाफ और बाकी लोग है उनकी पार्किंग है ये वेस्ट साइड. यहाँ से आप जाते हैं, ठीक है. इतफाक हुआ था तो वहाँ पे पार्किंग वगैरह जो है ना यूएस में फ्री होती है. यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, अनलाइक इन कनाडा. यहाँ पे ये चूंकि तो यहाँ पे ये भी एक जो है वो एक डाउन साइड है कि यहाँ पे जब भी आप कभी अपने किसी हेल्थ केयर इशू के लिए आते हैं तो पार्किंग ऑन टॉप ऑफ दैट आपको, और वो ठीक ठाक पैसे होते हैं, $15-16 पर डे के हिसाब से आपको पे करने पड़ते हैं अगर आप डेली पार्किंग में गलत परचेज करें. ऑन्टेरियो में मुझे याद है कि $20 तक भी आप घूम के आ गए. चक्कर लगा रही ऊपर से फिर से. ये मेन इमरजेंसी का है, हम देख रहे हैं अगर आप यहाँ से कर रहे हैं इमरजेंसी का एंट्रेंस. आ जाएंगे रात को अगर कॉफी ये सब बाहर बैठे हैं. चक्कर अंदर डाल के देखो, ये कुछ स्टूडेंट्स जा रहे हैं देसी, मेरा ख्याल है ये कॉफी वगैरह लेके बन रही है यहाँ पे. ये सारा हॉस्पिटल ही है. ये आपके पीछे फार्मेसी स्कूल चल रहा है, ऊपर से चक्कर लगाएंगे. ये डोनेट बेगस डोनेट भी अच्छा होता है. ये कभी कभी हमारे लंच आ जाते हैं. और ये जो है बिलाल बताइए, कनाडा की सबसे फेवरेट डिश क्या है? पोटीन जो है, पोटीन जो है ना वो फ्रेंच में जो है पोटीन कह के आपने उसका बेड़ा गरक कर दिया है, वो फ्रेंच वर्ड है पोटीन. अच्छा, ये बना हुआ है यहाँ पे एक मॉन्यूमेंट देखने. आप अगर आपने देखना है जी, इन्होंने पता नहीं क्या इसका मतलब है. अच्छा, मॉन्यूमेंट यूनिवर्सिटी सारी. अभी यूनिवर्सिटी आपके इर्द गिर्द था. अच्छा, हम यूनिवर्सिटी के अंदर भी घूम रहे हैं, साथ में हॉस्पिटल भी है यहाँ पे, फिजियोथेरेपी स्कूल, डिफरेंट स्कूल्स है. और हम वापस चक्कर लगा रहे हैं उधर से. हम तो बॉटम लाइन ये था कि अगर आपने कोई हेल्थ केयर रिलेटेड आपके पास जॉब है या आप इस एरिया में आना चाहते हैं तो आपके स्कूल्स भी आपको मिलेंगे अच्छे, हायर रेटेड, हाईली रेटेड स्कूल्स हैं. तो ये एरिया मुझे अच्छा लग रहा है लिविंग के लिए. स्कूल है आपके सामने, ये सारा जुड़ा हुआ है. पीछे मेडिकल स्कूल था. हर चीज आपको डोरस्टेप पे अवेलेबल है, वॉकिंग डिस्टेंस में. ये येलो कलर की जो बिल्डिंग वगैरह बनी है, फिजियोथेरेपी और ये सारा इनका है, रिहैब का है. और ये कलरफुल सी बिल्डिंग जो है मेडिकल स्कूल की है, यहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं. इट्स ऑल कनेक्टेड क्योंकि यहाँ के मेडिकल स्कूल्स में अच्छी बात ये है कि इनके बच्चे जो होते हैं थर्ड ईयर में ही उनको पूरी नाइट्स लगनी शुरू हो जाती हैं. दे आर मैनेजिंग एट द सेम लेवल रेजिडेंट के लेवल पे, ऑब्वियसली पूछ पूछ के. देखिए जो पाकिस्तान में चक्कर है कि ये कौन जा रहे हैं, ये देखें, ये जो छोटे बच्चे हाथ की कोई चल रहा होगा कोई, इनके यहाँ पे एक्टिविटीज भी काफी होती रहती हैं. अभी हम सारा यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द हम घूम रहे हैं यार. वैसे बहुत बड़ा सेटअप है ये हेल्थ केयर का यहाँ पे, आपने देखा है अल्मास? इवन सिक किड्स जो है टोरंटो, वो सिर्फ एक दो बिल्डिंग है बिलाल. नहीं, इवन यूएस में भी आप वो लेक नूना वाला अगर आपको याद हो जहाँ पे वो वगैरह है, वो इतना बड़ा नहीं है. मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वापस अंदर जा सकूँ 117th स्ट्रीट पे. यहाँ पे भी देखें ऐसी नई बिल्डिंग्स बन गई हैं और ये काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं क्योंकि लोग जो है यहाँ पे रहना चाहते हैं, स्टूडेंट्स रहना चाहते हैं. ये नहीं, सारा नॉर्थ कैंपस ही अभी तक आपका चल रहा है. और यहाँ पे भी बीच में कैंसर हॉस्पिटल भी आ जाएगा. तो यू हैव एवरीथिंग यार. मुझे ये बताएं यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है एडमिंटन की? ये आपने मुझसे बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा. आई थिंक मिलियन प्लस तो होनी चाहिए. इट्स अ बिग सिटी, इट्स नॉट दैट स्मॉल. आई मीन अगर आप ये अच्छा, बहुत बेचारा ना अंडर रेटेड है, लोग उसके बारे में इतना बात नहीं करते. नहीं, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं अल्बर्टा का जी, बट पीपल डोंट टॉक अबाउट दिस सिटी. इवन कैलगरी के बारे में ज्यादा बात करते हैं. कैलगरी क्योंकि माउंटेन्स है सबसे बड़ी बात है, ठीक है. और कैलगरी को हमेशा जरा व्हाइट कॉलर कंसीडर किया जाता है कि जी आपके अंदर अंदर का घर है, रूम्स फॉर रेंट लगा हुआ है. ये देखें पुराने पुराने घर, रूम्स फॉर रेंट लिखा हुआ है. ये स्टूडेंट्स वगैरह यहाँ पे लगे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स सॉकर खेल रहे हैं इस वक्त. और ये जो है ये आपका क्रॉस कैंसर इंस्टीट्यूट है, ये जो बिल्डिंग है ये CCI है. दिस इज CCI. अच्छा, यहाँ पे ब्रेन कैंसर और वो सारे इंस्टीट्यूट्स होंगे. ट्रायल्स इनफैक्ट चल रहे हैं, अब तो कीमोथेरेपी से भी आगे निकल गए हैं, इम्यूनोथेरेपी पे आ गए. अच्छा, अभी तक कनाडा में वो प्रोटॉन रेडिएशन का कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं आया फॉर सम रीजन. उसके लिए उधर ही जाना पड़ता है यूएस में. अच्छा,
जबकि यहाँ पे हम थोड़ा सा रिवर की तरफ चले जाते हैं, मैं वापसी व्हाइट आउट एवेन्यू की तरफ लेके जाऊंगी डाउन टाउन की तरफ, लेकिन मैंने कहा देखिए यहाँ पे भी एक घर बने हुए हैं और आज जो बारबेक्यू में कह रही थी अलमास वो इधर पार्क में हो रहा था। आप ही नीचे हम जाएंगे हॉल पार्क में, ये सारे भी देख रहे हैं घर वर बने हुए हैं सारा, इट्स प्रीटी नाइस हियर और ये सब लोग खरीद खरीद के बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे मल्टीपल पार्क्स हैं, ये दिस एरिया फॉर एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आई थिंक इट इज द बेस्ट एरिया, आई डिडंट नो अबाउट इट। ये यूनिवर्सिटी के करीब था, आप लोगों से तब बात की थी तब आप लोगों ने कहा नहीं यार कैलगरी देखे थे सारे, आप देख रहे हैं घर लाइन से सब नए घर बने हुए हैं, देयर ऑल लाइक नाइस हाउसेस, काफी बड़े बड़े घर हैं और प्रॉपर्टी जमीन और ये सब जो है मेरा ख्याल है अंडर अ मिलियन आपको 7-8 लाख। अभी हमारे नीचे रिवर जा रहा है और हमारे आगे पार्क जा रहे हैं, ये सारे अब हम यहाँ से वापस भी यूनिवर्सिटी के जा सकते हैं, इधर पार्क आ रहे हैं, ताकि हम उधर से देखते जाएंगे। अच्छा एरिया मुझे लग रहा है काफी, ये देखें ये घर यहाँ पे बने हुए हैं डिसेंटली, अब हम वापस जा रहे हैं ताकि मैं आप लोगों को आई जस्ट वांट टेक यू गाइस टू द रिवर और वहां से डाउनटाउन को जो हम क्रॉस करेंगे ना इट्स रियली ब्यूटीफुल। तो हम लोग बना बहुत अच्छा लंच होता है। अच्छा इधर क्या मिलता है? जैसे मैंने तो केजन सैमन ली हुई थी, या आपको पास्ता बहुत अच्छा मिल जाता है, सैलड्स हैं, काफी अच्छी चीजें मिल जाती हैं। अगर आपने चिकन और हलाल ऑप्शंस नहीं भी है तो यू कैन ट्राई। अच्छा एक मुझे बात याद आ गई कि कनाडा में रहते हुए जो लोग काम करते हैं प्रोफेशनल फील्ड्स में हैं, आप लोगों को अक्सर ये चैलेंज फेस होगा क्योंकि आपके कॉलीग्स या वो आपको अक्सर लेके जाएंगे लेट्स से लंच पे, तो आप उस तरह से रिफ्यूज नहीं कर सकते कि नहीं जी मैं तो नहीं जा रहा क्योंकि आप वहाँ पे। तो उसका सबसे सेफेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप ना, मैं तो ये करता था कि फिश एंड चिप ले लें। फिश एंड चिप में ये होता है कि वो एक तो वो हलाल का कोई चक्कर नहीं है, तो पहले शुरू में मुझे भी बड़ा प्रॉब्लम होता था। हाँ तो वो ऐसी जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे तमाम पॉपुलर है, रेमेडीज कैफे अलमास, यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स आके यहाँ पे कश्मीरी चाय भी मिलेगी, उसका भी मिलेगी, लेकिन इट्स अ प्रीटी कॉन्सेप्ट देसी है लेकिन है ये पूरा इंग्लिश, रिवर पे आके कुछ एक्सपीरियंस करना है। अभी तो वेदर भी अच्छा है आजकल, आप आ भी सकते हैं। ये ब्रिज देख रहे हैं दिस ब्रिज, और ये सामने डाउनटाउन आजकल है, उसके नीचे रिवर है और यहाँ पे रिवर वैली आई थिंक 5-6 किलोमीटर की और डिफरेंट जगहों से एक्सेसिबल है, यू डोंट हैव टू कम हियर ऑल द टाइम टू एक्सेस द रिवर। लेकिन ये सारा ये देखें और वो उनका जो गोल सा ग्लोब बना हुआ है वो पार्लियामेंट हाउस है, ये तो बहुत ही छोटा सा ब्रुकलिन आपने बताया, लेकिन हसन क्योंकि हसन लव्स इट क्योंकि उसे लगता है कि वाह मैं क्या पता नहीं शायद काफी बड़ा ब्रिज रहेगा। ये रिवर है भगवानी आपका, ये जा रहा है आपका नॉर्थ सस्कैचुअन रिवर, ये दोनों तरफ से जा रहा है। हमारे लिए बड़ी चीज है कि यार ये हमें एक फील आती है एडवेंचर में रहते हैं। मैं तुसी दे पता नहीं की थे लेके जा रहे हैं, लेकिन ये सामने ये काफी अच्छा व्यू है हसन जैसे लोगों के लिए। और हम डाउनटाउन के अंदर आ गए हैं, मैं तो बड़ा एक्साइटेड था कि शायद कोई ब्रुकलिन टाइप ब्रिज हो। ये रिवर वैली ड्राइव रोड है और ये रिवर वैली टेक यू आई मीन पूरा घुमाती रहेगी आपको। अब हम डाउनटाउन में आ गए हैं। अच्छा ये डाउनटाउन का इलाका है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑयल बेस रिग्स पे और जरा यहाँ पे बेसिकली ऑयल सैंड्स, आपको पता है थोड़ा सा लोगों के लिए मालूमात के लिए कि कनाडा में जो प्राइमरीली जो हम ऑयल प्रोड्यूसिंग ऑयल प्रोडक्शन हमारी होती है, हमारे जो ऑयल सैंड्स जितनी भी हैं वो यहाँ से, हम रॉ तेल यहाँ से निकलता है हमारे नॉर्दर्न अल्बर्टा जो प्रोविंस है हमारा यहाँ से प्राइमरीली। तो फिर ये जो रॉ आपको एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके बाद रिफाइन करने के लिए उसको यूएस के रिफाइनरीज में भेजा जाता है बिकॉज कनाडा के अंदर रिफाइनरीज नहीं है तेल। हाँ तो ये कुछ कम नहीं है, ये एटको आ गया इनका मेन जो यहाँ पे गैस का है। और यहाँ पे कॉन्डोज बने हुए हैं, ये बने हुए कॉन्डोज लोग रहना पसंद करते हैं डाउनटाउन में कि चलो जी थोड़ी लाइफ है। आई डोंट लाइक इट दैट मच। एक जमाना था जब ये अल्बर्टा का प्रोविंस जो था ना ये बहुत बूम किया था, मेरा ख्याल है ये 80s 90s में जो है अर्ली 2000s में
यहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा बनाया है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी ऑयल एंड गैस की जॉब्स थी उसमें लोग मिडल ईस्ट से और पाकिस्तान से आते थे और मुख्तलिफ जगहों से आते थे और यहाँ पे आके काम करते थे। और उसके बाद एक स्लम्प आया 2008 के बाद, तो ओवरऑल ही इकॉनमी का डाउन टर्न आया, प्लस ये ऑयल की जो प्राइसेस थी वो नीचे चली गई, $60 अब बैरल तक भी ऑयल आ गया, तो कनाडा ने उसमें काफ़ी लूज़ किया और यहाँ से लोगों की जॉब्स वगैरह काफ़ी चली गई, क्योंकि ऑब्वियसली वो फिर फीजिबल नहीं था उनके लिए, राइट। अब आप मेन में घूम रहे हैं, थोड़ा सा जो मेन डाउट ऑफ एरिया थोड़ा लोग हैं आज, क्योंकि गिवन कल कनाडा डे है और आज थोड़ा सा छुट्टी है, हम बस हो गया बाबू सैन यहां से एडमंटन प्लाजा, यहां पे हॉकी का बहुत अच्छा सीन है, रॉजर्स सेंटर से हम होते हैं वापस चलते हैं और मैं अपना लगाती हूं जीपीएस। हां वो यूनिवर्सिटी आ गई ना मैक्यूएन, यहां पे यूनिवर्सिटी जो है वो लंबी लंबी बनी हुई मुझे नजर आई, बड़ा देख लेते हैं आगे से चल के घूमते हैं अपने। ये क्या जगह है? सारा डाउनटाउन का एरिया बंस बना हुआ है, लोगों के लिए अच्छा भी है, सारे अंदर कॉन्डोस नए भी बने हैं, कुछ पुराने भी हैं, जो किसी निकाल लो टिकट, मतलब यहाँ पे कहीं वही आएगा जो के अपनी किसी प्रोफेशनल फील्ड के साथ एसोसिएटेड है, किसी की जॉब है, तो वो यहाँ पे आके रहेगा, ठीक है ना। तो बुरा एरिया नहीं है, मुझे तो अच्छा लगा, बट वही वाली बात है कि उस तरह की लाइफ नजर नहीं आ रही जो कि आपको कैलगरी में या आपको बड़े सिटीज में टोरंटो की तरह में, तो ऑब्वियसली एक उसका वो तो है ना, फर्क तो होगा ना फिर, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपको स्मॉल टाउन लेकिन सिटी है, नॉट अ टाउन लेकिन नहीं नहीं सिटी है प्रॉपर, एडमंटन इज अ वेरी ओल्ड, अगर आप कंपेयर करें ओंटारियो में गोल्फ के साथ वाटरलू तो छोटी छोटी पॉकेट्स, और लोग जब ये कहते हैं ना हम ये रॉजर्स सेंटर है, ये देखिए रॉजर्स पैलेस है, यहाँ पे सारे ये बड़े बड़े इवेंट्स जो है ये होते हैं, मैक्यूएन यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप और अच्छा ये सारे मैक्यूएन आगे चलती जाएगी, अब हम घर की तरफ वापस निकल रहे हैं। आई सी, अच्छा ओंटारियो में भी जब लोग कहते हैं ना टोरंटो में आप रहते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि आप सारे लोग हब के अंदर मेन डाउनटाउन में रहते हैं, तो कोई जो है वो स्कारबरो में रहता है वो भी कहता है मैं टोरंटो में रहता हूँ, एजैक्स वाले भी और जो बाकी आपके ओशावा तक जो जीटीए ग्रेटर टोरंटो एरिया का इलाका है वो सब इस तरह ही है। तो जिस तरह आरजू आपने कहा ना कि ये तो सिर्फ डाउनटाउन है, इसी तरह कनाडा का भी डाउन जो इसका ओंटारियो का भी टोरंटो का भी डाउनटाउन काफ़ी आपको जो लाइफ और हसल बसल नज़र आती है वो डाउनटाउन के एरिया में है, बाकी ओवरऑल वहाँ पे इसलिए भी नज़र आती है कि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको लेट्स से जो भी बड़े बड़े आपके सिटीज़ हैं जीटीए के साथ एसोसिएटेड उनमें आपको जो है वो मुझे उस तरह की वाइब्स आ रही हैं अलमास, जो ओशावा की तरह का नहीं था ये मतलब बिलाल बंदा नहीं नहीं अच्छा है सारी, लेकिन यहाँ पे ना सारा आपको देखा कि यूनिवर्सिटी से कनेक्ट होकर डाउनटाउन तक, अब डाउनटाउन से अगर हम थोड़ा आगे चले जाएंगे तो हम नॉर्थ में जाएंगे जो आज हम नहीं कर रहे, सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एंड वेलनेस है, सारा मैक्यूएन अब चल रहा है, और ये मैक्यूएन बड़ी यूनिवर्सिटी है क्या? हाँ इट्स अ गुड गुड साइज यूनिवर्सिटी, ये रॉबिन्स आ गया, अगर यहाँ से थोड़ा आगे चला जाए तो रॉयल एलेक्स भी आ जाएगा, लेकिन अभी मैं पास कर रही हूँ। ये देखें ये इनका रॉबिन्स हेल्थ लर्निंग सेंटर है, ये मैक्यूएन यूनिवर्सिटी का, ये आपके सामने ये 50 जिधर लिखा हुआ है अलमास आप इस पे देखिएगा मैक्यूएन यूनिवर्सिटी 50 और साथ लिखा हुआ है रॉबिन्स हेल्थ लर्निंग सेंटर, तो ये यूनिवर्सिटी, और ये है स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ मैक्यूएन यूनिवर्सिटी, गुड यार इट्स, लेकिन यहाँ पे अभी इसके साथ ना अपटाउन के काफी एरियाज हैं जो बहुत हसल बसल है, वहाँ पे लोग रहना चाहते हैं स्पेशली यंग लोग, जैसे अभी आपको नजर भी कुछ आ रहे हैं, नॉट लाइक टोरंटो इफ यू कंपेयर, बट इफ यू कंपेयर विद अदर स्मॉलर सिटीज आई मीन स्टिल देयर इज अ बिट ऑफ अ लाइफ। और अब हम थोड़ा लेट भी हो गए, 9 बज रहे हैं रात के, अभी चेक करें 9 बज गए लेकिन रात होने का कब प्लान है कुछ पता नहीं चल रहा। हाँ वैसे उस लिहाज से तो हसल बसल है, मैं भी थोड़ा सा परेशान हो रहा था, अगर शाम को आए 5-6 बजे तो इट्स प्रीटी जैम पैक्ड, लेकिन और ये वर्किंग डे है, कल जो है छुट्टी है यहाँ पे July 1st की, राइट, कनाडा डे है, तो इस वजह से कनाडा डे टू एवरीवन, हाँ इन एडवांस सबको कह दीजिए, होपफुली आप कल ठीक हो जाएंगे ताकि आप कनाडा डे का व्लॉग खुद करेंगे शूट, हाँ इंशाल्लाह, इसमें आपको हमारी हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अब बाकी आपके व्यूअर्स के लिए कनाडा डे जो है वो कनाडा का आप उसको कह सकते हैं बर्थडे भी कह सकते हैं, क्योंकि 1867 में जो बेसिकली प्राइमरीली आपका जो
कुछ आपकी टेरिटरीज और प्लस आपका नोवा स्कॉशिया का जो प्रोविंस है और क्या था नहीं नहीं वो तो पहले ही थे प्रोविंस ऑफ कनाडा, उसके में जब वो इंटीग्रेट हुए थे तो वो उसकी सिग्निफिकेंस, ये सेफवे है यहाँ पे तो उस वजह से उसको कनाडा डे के तौर पे, जिस तरह हम 23 मार्च को पाकिस्तान डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं ना पाकिस्तान में 23 मार्च को 23rd मार्च को, इस तरह यहाँ पे 1867 में ये 14 अगस्त की तरह नहीं करते अगर आप ये इनका yes, 14 अगस्त नहीं लेकिन ये वो करार था ये कॉन्स्टिट्यूशनल सॉरी ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल उसको ये कमेमोरेट किया जाता है, कनाडा तो पहले ही बन चुका था, इट वाज जस्ट के वो 1867 में एक तरह से आप कह लें कि उनको कुछ टेरिटोरीज को और उनको इंटीग्रेट करके उन्होंने फॉर्मली बनाया था, ये सारी कुछ नई चीजें बनी हुई थी जब इनके साथ आप कह सकते हैं ताई बिकॉज आप सही कह रहे हैं 14 अगस्त भी कहा जा सकता है अलमास बिकॉज ब्रिटिश कॉलोनियल उनसे ये लोग आजाद हुए थे एक तरह से, तो ये नैंडूज भी है जी यहाँ पे गुड, ये थोड़ी सी गड़बड़ भी है खापे इधर काफी मुझे नजर आ रहे हैं, ये अच्छी एरिया बना हुआ था नया स्लाइटली थोड़ा सा नया लग रहा है क्योंकि अभी आजकल ये सारी जो कंस्ट्रक्शन हो रही है इसलिए हो रही है कि समर आया हुआ है जी, विंटर से फिर रोड्स का बुरा हाल होगा, तो सिटी मार्केट भी है हाँ ये अच्छा है, हमने एडमिंटन के वो सबसे बड़े मॉल में भी जाना है ऐसे एडमिंटन में हाँ चलेंगे, तो ये देखे सारे नए कॉन्डोज बने हुए हैं यहाँ पे अगेन लोग रहना चाहते हैं गिवन की डाउनटाउन के करीब है एंटरटेनमेंट के करीब है वाइट एवेन्यू इज प्रीटी हैपनिंग उस लिहाज से वो ठीक है वो जो हमने फैसला किया था ना कैलगरी वाला क्योंकि वो देखें कंपेयरिंग द टू अमंगस्ट द अदर ऑप्शंस मेरा ख्याल है कर लें, अभी टाइम क्या हुआ है बिलाल अभी 10 हो गए 10:10 और बाहर जरा देखिए पता नहीं अभी ये रात कब होगी और कब हम लोग सोएंगे 11 बजे तक दिन होगा मैं परेशान था शायद पता नहीं सर्दियों की तरफ आ गए ना, बट ये तो बहुत ही वर्स्ट है भाई, मतलब आप सारा दिन ही जाग रहे हैं सारा दिन सारी रात टफ लाइफ।